हेलो एवरीवन, स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस इफ फंक्शन पे। जी हाँ, इफ का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होता है। इफ का मेन पॉइंट क्या होता है? कंडीशन रखना। सपोज दैट आप कहीं पे वर्क कर रहे हो या फिर सैलरी लगा रहे हो कि इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम ना हो, तो वहाँ कंडीशन रखने के लिए हमारा जो है इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर वीडियो आपको यूजफुल और पावरफुल लगे तो वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सपोज़ दैट हमारे पास ये मार्कशीट का कुछ फॉर्मेट है जिसमें से हमें ये बताया जा रहा है या हमें ये बताना है कि 600 के पूर्णांक में, यानी कि जो 600 का इसका जो मैक्सिमम मार्क है वो 600 का है, यानी कि 6 सब्जेक्ट में, यानी कि 6 सब्जेक्ट में 600 का जो है टोटल मार्क है हमारा, जिसमें से अगर ये 300 नंबर लेकर के आते हैं, यानी कि कोई भी बच्चा यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर 600 में से 300 नंबर लेकर के आता है तो वो पास होता है। यानी कि यहाँ आपका कंडीशन रखा जाता है कि 600 में से अगर उसे 300 नंबर मिलता है तो वो पास होता है। तो यहाँ के लिए हम जो है इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी हाँ, हमने पहले भी बताया कि इफ़ फॉर्मूले का यूज कंडीशन रखने के लिए किया जाता है। कैसे? यहाँ हम इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे इफ़ और लगाएंगे ब्रेकेट। अब यहाँ पे हम टोटल मार्क को सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन। अगर हमारा ये यानी कि टोटल मार्क 600 से अधिक होता है या 600 से कम, या हमारा जो टोटल मार्क 600 से यानी कि 300 से अधिक होता है या 300 से कम, अगर 300 से अधिक होता है तब तो हम पास हैं, लेकिन 300 से अगर कम होता है तो हम फेल हो जाते हैं। यानी कि 500 में से अगर हमारा नंबर 300 से कम आता है तो हम फेल हो जाएंगे, यानी कि 300 से अधिक आता है तो हम 600 में से पास हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर हम 300 पाते हैं तो पास हैं, अगर 300 से नीचे पाते हैं तो फेल हैं। तो यहाँ हमने इक्वल लगाया, इफ लिखा, ब्रेकेट्स लगाया, हमने जितना टोटल मार्क प्राप्त किया है उसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन लगाया, इक्वल। ग्रेटर देन का लगाने का मतलब क्या होता है? अधिक। अगर इससे अधिक आया है या इससे अधिक है तो हमने लिख दिया 300 और कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे यहाँ पे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल। अगर हमारा 300 से कम आया है तो फेल लिख के आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सॉरी, यहाँ ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन वाला बटन प्रेस हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला टाइप करके मैंने क्या यूज किया। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ इक्वल लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ कहता है कंडीशन, तो इक्वल इफ़ ब्रेकेट लॉजिक टेस्ट। आपका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हमारा नंबर 500 में से 300 आया हो तो पास हैं, या 300 से कम आया है तो फेल। तो यहाँ अगर अधिक आया है, 300 से अधिक आया है या 300 से नीचे आया है, अगर 300 से अधिक आया था तो पास हैं या 300 आया है, लेकिन अगर इससे कम आया है तो हम फेल शो कर दें। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पास शो कर रहा है। आप इसी तरीके से किसी भी सैलरी में या किसी ऐसी जगह पे वर्क करने में यूज आप इसका कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हमें ग्रेड निकालना है तो यहाँ पे हम जो है इफ़ का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ दैट हमने कहा अगर 300 आया है, यानी कि 500 में से यानी कि 600 में से अगर हमारी वैल्यू 300 आई है तो हम पास रहेंगे, या फिर अगर 300 से अधिक यानी कि 350 आता है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग आएंगे, अगर उससे अधिक आया है तो भी उससे बड़ा ग्रेड जाएंगे। लेकिन तीन सौ से कम आई हो तब तो हम फेल हो जाएंगे। तो यहाँ कैसे यूज करेंगे? कंडीशन रख रख करके
कि इतनी वैल्यू अगर हमारी आई हो तो हम पास हों। तो यहाँ इक्वल लगाएंगे हम, इफ लिखेंगे, ब्रेकेट्स लगाएंगे, ये टोटल यानी कि टोटल मार्क उठाएंगे। अगर 500 में से हमारी वैल्यू 300 आई हो तो यहाँ पे हम ग्रेड चाहते हैं कि ए आए, ग्रेड ए आए, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू 450 आई हो तो ग्रेड ए आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 450 कॉमा ए प्लस लिख देंगे यहाँ पे हम, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रेकेट कॉमा लगाएंगे, सॉरी डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ़ और लगाएंगे ब्रेकेट। फिर लॉजिक ये है कि अगर हमारी वैल्यू 500 से ज़्यादा या 500 से के बराबर आई हो या फिर 500 से कम यानी कि 300 आई हो, या हम ये कह सकते हैं 400 आई हो, तो हमारा जो ग्रेड है वो बी प्लस आए, कॉमा लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा इफ, फिर ब्रेकेट लगाएंगे, फिर टोटल मार्क उठाएंगे। अगर हमारी वैल्यू 350 आई हो तो हम सी ग्रेड पाए हों, फिर कॉमा लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रेकेट्स लगाएंगे। अगर हमारी वैल्यू 300 आई हो यानी कि 600 में से अगर 300 आई हो तो जो है हम डी प्लस पाए। अगर इसमें से कुछ भी ना आई हो हमारी वैल्यू तो यहाँ पे फेल लिख करके आ जाए। आप देख सकते हैं ये हमारा 450 से अधिक है इसलिए हमारा ये प्लस आ रहा है, लेकिन मैं अगर किसी वैल्यू को घटाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ 435 हो गया है और यहाँ पे बी ग्रेड हमारा आ चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कंडीशन रख के आपको कैसे यूज करना है आप देख रहे हैं।